हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। विच आर यूनिसेलुलर, ज़्यादातर एक कोशिकीय होते हैं। कंजिस्ट ऑफ द सिंगल सेल ओनली, इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है। किनके अंदर पाई जाती है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सबसे पहली बात तो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि एक कोशिकीय होते हैं, तो इसलिए उनके अंदर सिर्फ एक सेल पाई जाती है। दे हैव द फॉलोइंग द करेक्टरिस्टिक, इनकी ये विशेषताएँ होती हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, ऑल आर यूनिसेलुलर, सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल होते हैं। ये तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक हो गई। उसके बाद है आपका मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर एक्वेटिक, ज़्यादातर इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे एक्वेटिक हैं, मतलब पानी में रहते हैं, लिव इन वाटर एंड फ्री लिविंग, और स्वतंत्र रूप से ये रहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो इसलिए इनको मैंने यहाँ पर लिखा है फ्री लिविंग, मतलब होस्ट या पैरासाइट के तौर पर नहीं देखे जाते या नहीं माने जाते। सम ऑर्गेनिज्म आर पैरासाइटिक, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, एंड अदर आर सेप्रोबिक, और कुछ इसमें से सेप्रोबिक भी होते हैं। सम आर द फोटोसिंथेटिक, कुछ ऐसे होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब खुद अपना भोजन बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस को ये करते हैं। अच्छा, द सेल इज टिपिकली एन यूकेरियोटिक सेल, दरअसल क्या होता है, इनकी जो सेल होती है वो यूकेरियोटिक सेल होती है। इट कंटेन ऑल यूजली सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सामान्य तौर पर जितने भी सेल के अंग होते हैं, एक सेल के अंदर जितने भी अंग पाए जाने चाहिए वो सारे के सारे इनके अंदर पाए जाते हैं ऑर्गेनेल्स, जैसे कि सच्चाई जिस न्यूक्लियस है, और दूसरी बात मेटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ATS, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारे के सारे पार्ट जो कि एक नॉर्मल सेल के अंदर पाए जाते हैं इनके अंदर होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म हैव द अपेंडेजेस सच एज जैसे सीलिया एंड द फ्लैजेला। तो दरअसल क्या होता है कि कुछ जो सम ऑर्गेनिज्म है, कुछ जो जीव हैं इसी मतलब किंगडम के, उनके अंदर कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अपेंडेजेस मतलब अतिरिक्त पार्ट पाए जाते हैं, फचल जैसे सीलिया एंड द फ्लैजेला। सीलिया जो होता है आपका वो मदद करता है इन्हें मूव करने में, और फ्लैजेला भी इनको मूव करता है, मतलब मदद करता है मूव करने में। तो इस तरीके से हमने देखा अभी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में करैक्टरिस्टिक्स। इसकी और भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें भी पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई करैक्टरिस्टिक आपके लिए 6, ये आपको याद करनी है और साथ में इनको अच्छी तरीके से समझ। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कुछ और 2 पॉइंट रह गए थे जिनको मुझे पढ़ाना है, तो वो पॉइंट क्या है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनको आपको याद तो करना ही है क्योंकि ये भी एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए ज़रूरी है। और साथ में आपको क्या है कि जैसे कि हम बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो के हर एक छोटे टॉपिक के बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे कैरियर में आगे जब भी हम डॉक्टरी लाइन्स वगैरह में कैरियर बनाते हैं तो यही बेसिक चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं। तो फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर, वेरियस मोड ऑफ द न्यूट्रिशन आर द प्रेजेंट, जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर कई तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनका पोषण करने का जो तरीका है, खाना खाने का जो तरीका है, वो कई अलग अलग तरीक़ों से ये मतलब अपना पोषण करते हैं, कई अलग अलग तरीक़ों से खाना खाते हैं, वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो वेरियस मोड ऑफ द न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट, एक्वेटिक एंड द फ्री लिविंग प्रोटिस्ट विच कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड द फोटो प्लांक्टन्स कहलाते हैं। दरअसल क्या होता है कि ऐसे एक्वेटिक प्रोटिस्ट, एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी में रहते हैं और फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस करते हैं, तो उनको हम फाइटोप्लांक्टन्स के नाम से जानते हैं। जबकि वो किंगडम प्रोटिस्टा के जीव जो कि मतलब जमीन पर रह रहे हैं, स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं और हेटरोट्रॉफिक हैं, ठीक है, तो उनको हम कह देते हैं जू प्लांक्टन्स कह देते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा, लार्ज नंबर ऑफ द पैरासाइटिक फॉर्म आर ऑल्सो द प्रेजेंट। दरअसल क्या होता है, इन जीवों के अंदर बहुत सारे पैरासाइटिक फॉर्म के भी जीव प्रेजेंट होते हैं, मतलब पैरासाइट भी इनके अंदर पाए जाते हैं। सिर्फ हम यही नहीं कह सकते कि फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोप्लांक्टन्स पाए जाते हैं, जूप्लांक्टन्स पाए जाते हैं, हम ये भी कह सकते हैं पैरासाइटिक के रूप में भी ये बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है आपका स्लाइम मोल्ड है, आपका डाइएटम्स है और प्रोटोजोन्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं।
तो सबसे अब हमारे पास में कुछ एग्जांपल है, सम कॉमन प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं आपके सामने सम कॉमन प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से एक तो आपका है लाइशीमोफोरा, लाइशीमोफोरा, दूसरा है आपका डिप्लोनाइस, और उसके बाद में पैरामीशियम ट्रिपेनोजोमा, ये आपका जो है ट्रिपेनोजोमा, और इसको आप जानते हैं अमीबा। ये कॉमन प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म है जो आप याद रख सकते हैं, और इनकी बारे में और भी कुछ जानना है, जैसे कि हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ जिज्ञासा उठती है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम जानें। तो इनके बारे में अगर जानने की आपको इच्छा होगी तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब हम जो है आपको जो फंगी किंगडम है उसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।